नमस्कार जी, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको इस चैनल पे बेसिक से लेकर एडवांस तक ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, जिसके पार्ट वाइज पार्ट वीडियो आ रहे हैं। ये वीडियो एक अलग टॉपिक पे होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आए हैं कि 4 जून को लेकर क्या स्ट्रेटजी हम यूज कर सकते हैं, 4 जून को क्या होगा, कॉल जाएगा कि पुट जाएगा, ठीक है, और मार्केट में क्या मूवमेंट रह सकती है उसके बारे में। तो देखिए, मैं सीधा सीधा किसी को भी सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेबी के खिलाफ है, लेकिन मैं आपको अपना बता रहा हूं कि मैं क्या फॉलो करने वाला हूं। देखिए, 5 तारीख को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और 4 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है और 3 तारीख को है सोमवार, यानी कि उससे पहले 1 तारीख को और 2 तारीख को मार्केट है क्लोज, यानी कि जब भी एग्जिट पोल आएंगे या फिर कोई भी न्यूज आएगी वो शनिवार और रविवार के दिन में आ सकती है, यानी कि जब भी मार्केट में मूवमेंट आएगी तो वो 3 तारीख के बाद में आनी शुरू हो सकती है, ठीक है। तो देखिए, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 तारीख को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मूवमेंट जो आने वाली है वो 3 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में कभी भी आ सकती है। तो उसमें मैं क्या स्ट्रेटजी यूज करने वाला हूं वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी चलते हैं हमारे पेपर शीट पे और मैं आपको शीट पर पूरा बताऊंगा कि मैं क्या यूज करने वाला हूं, क्यों यूज करने वाला हूं और वो कैसे हो सकता है मार्केट में। चलते हैं अपनी पेपर शीट पे। तो देखो, अभी अपन आ गए हैं मेरी पेपर शीट पे और ये है मई फॉर जून स्ट्रेटजी, मतलब ये मेरी स्ट्रेटजी है। प्लीज डू नॉट फॉलो दिस, क्योंकि ये आपके लिए कोई सजेशन नहीं है। आप अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए, क्योंकि मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूं, आप लोगों के लिए ये कोई सजेशन नहीं है। देखो, 3 तारीख को है मंडे, ठीक है, और 4 तारीख को है ट्यूसडे, और उसके बाद में है ये वेडनेसडे, यहाँ पे है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, यानी कि जो भी मूवमेंट आने वाली होगी वो लगभग 3 तारीख से आने शुरू हो जाएगी, क्योंकि 1 और 2 तारीख को सैटरडे और संडे है, मार्केट की छुट्टी है, ठीक है। तो देखिए, मैं क्या करने वाला हूं कि 10 से 15 रुपए का कॉल, ठीक है, इसको मैं बाई करूंगा। मान लेता हूं कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लेता हूं कि मैं 2000 रुपए यहां पे इन्वेस्ट करूंगा कॉल में, ठीक है। सेम वैसा ही मैं क्या करूंगा कि पुट में भी मैं 10 से 15 रुपए का प्रीमियम जो है वो मैं बाई करूंगा, इसमें भी मैं मान लेता हूं कि 2000 रुपए का मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है। मैं दोनों ही बाई करूंगा, कॉल भी बाई करूंगा और पुट भी बाई करूंगा, ठीक है। देखो, अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर मैं मान लेता हूं कि अगर बीजेपी जीतती है, ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो जो ये कॉल साइड मार्केट जाएगा, ठीक है, तो ये 10 का प्रीमियम, 10 का जो प्रीमियम वो 100 प्लस जा सकता है, ठीक है। और ये जो मैंने पुट, ये कॉल की बात है और ये है पुट की बात, ठीक है, और जो ये 10 से 15 रुपए का जो मैंने पुट बाई किया है, ठीक है, ये घटकर कहाँ आ जाएगा, 2 रुपए से 3 रुपए तक आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे मुझे 7 पॉइंट का लॉस होगा, ठीक है, 7 पॉइंट का लॉस होगा और यहाँ पे मुझे लगभग 85-90 रुपए प्लस, ठीक है, का मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर मान लेता हूँ कि कांग्रेस आती है, ठीक है, अगर कांग्रेस आ जाती है, ठीक है, अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो क्या होगा कि जो कॉल मैंने लिया था 10 से 12 पॉइंट का और जो पुट मैंने लिया था 10 से 12 रुपए का, ठीक है, उसमें क्या होगा कि ये जो 10 रुपए का प्रीमियम है ये लगभग 50 से 60 के बीच में जा सकता है और ये जो प्रीमियम है ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा जीरो हो जाएगा, 0.29 या 39 या फिर जीरो ही हो जाएगा मान लेता। तो यहाँ पे मुझे कितना लॉस हुआ, 10 पॉइंट का लॉस हुआ, ठीक है, और यहाँ पे मुझे लगभग 50 से 60 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मैं ये स्ट्रेटजी यूज करने वाला हूँ जिसमें मुझे अगर बीजेपी जीतेगी तो मेरा ये प्रॉफिट बन सकता है और अगर कांग्रेस जीतती है तो मुझे पुट साइड में ये मेरा प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए कोई सजेशन नहीं है, ये मैं यूज करने वाला हूं, मैं आपको अपनी बता रहा हूं, ठीक है, आपके लिए कोई वो सजेशन नहीं है। लेकिन अगर फिर भी जैसे मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता तो मैं क्या करूंगा कि जो 1 रुपए से लेके, मतलब सॉरी, जो 5 रुपए से लेके 7 रुपए तक का जो प्रीमियम है, यानी कि कॉल का भी और पुट का भी, ठीक है, 5 रुपए से लेके 7 रुपए का जो है प्रीमियम, कॉल का भी और पुट का भी, इसको मैं 3 तारीख को बाई कर लूंगा, 3/6, ठीक है, 2024 को मार्केट जब ओपन होगा 9:15 पे, वहां पे मैं इसको बाई कर दूंगा, दोनों ही, कॉल को भी कर दूंगा, पुट को भी कर दूंगा। और इसको मैं कब तक होल्ड रखूंगा, 5 तारीख को जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी उसको 3:30 तक मैं उसको होल्ड रखूंगा, ताकि ये मेरा 5 का प्रीमियम लगभग मुझे यहाँ पे 5 गुना या
10 गुना तक का प्रॉफिट नहीं देता तब तक मैं इसको होल्ड रखूंगा, ठीक है। और एक में अगर मान लेता हूँ कि कॉल ने मुझे 5 गुना या 10 गुना मेरा पैसा कर दिया है तो मैं कॉल को तो सेल कर दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं पुट को होल्ड रखूंगा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के बाद में मार्केट एक बार डाउन आती है और तो पुट यहाँ से वापस थोड़ा ऊपर जाएगा, तो जो मेरा लॉस है वो जब थोड़ा कम हो जाएगा तब मैं यहाँ पे मेरा लॉस बुक कर दूंगा। तो दोनों ही केस में मैं प्रॉफिट में रह सकता हूँ। ये मेरी स्ट्रेटजी है, आप लोगों के लिए कोई सजेशन नहीं है, इसको प्लीज़ आप फॉलो मत करना, आप अपने अकॉर्डिंग ही करना, हम आपको कभी इन्वेस्टिंग की सलाह नहीं देते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।